नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आप देख रहे हैं दोस्तों, आज थर्ड शिफ्ट के 9 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में जो साइंस के क्वेश्चन आया था, आप उनको देख रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश तरंगे उदाहरण है, जो प्रकाश की तरंगे होती हैं तो दोस्तों किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए, जो फ्यूज का पदार्थ है दोस्तों उसका तापमान कितना होना चाहिए और निम्न गलनांक वाला होना चाहिए, ठीक है ना, निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरिका में दोस्तों एसिटिक एसिड पाई जाती है, ठीक है ना। सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि एंगस्ट्रॉन्ग क्या मापता है, एंगस्ट्रॉन्ग जो है तो क्या मापता है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मापता है, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉन्ग क्या मापता है दोस्तों? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, प्रिज्म के द्वारा किस रंग का अभिचलन जो होता है अधिकतम होता है? बैंगनी रंग का। इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का। नेक्स्ट आता है कि भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो कितने घंटे चक्कर लगाता है दोस्तों? ये 24 घंटे चक्कर लगाता है भूस्थायी उपग्रह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है, तो उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है दोस्तों जो है तो पायरोमीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा पायरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट इंजन का सिद्धांत पर कार्य करता है, जेट इंजन जो है तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों जेट इंजन जो है तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना, रैखिक संवेग संरक्षण। नेक्स्ट आता है कि 1 फैदम बराबर होता है तो 6 फीट के बराबर होता है, 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है, तो कौन सा कण जो है तो सबसे अधिक अस्थायी है? न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में शेयर भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।